हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स। लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी अगर फॉर्मूलेशन में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो इम्प्योरिटी कौन से लिमिट में प्रेजेंट है, क्या वो किसी प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या वो प्रिस्क्राइब लिमिट से कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसी को टेस्ट करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको लिमिट टेस्ट कहा जाता है। आज के हम इस वीडियो में लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स देखने वाले हैं, यानी कि अगर क्लोराइड की इम्प्योरिटी किसी फॉर्मूलेशन में प्रेजेंट है तो वो क्लोराइड एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा में क्वांटिटी में प्रेजेंट है या कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसी को हम आज देखेंगे कि इसका क्या मेथड होता है, इसका क्या रिएक्शन होता है, साथ ही इसमें क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिलता है। तो लिमिट टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो एक सिंपल रिएक्शन पे बेस्ड है। इसमें सिंपली क्या रिएक्ट करता है, आपका सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 का रिएक्शन होता है सोल्यूबल क्लोराइड आयन से यानी कि Cl- आयन से, और इसके रिजल्ट से सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है यानी कि AgCl, यही आपके रिएक्शन में एक टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, और उसी टर्बिडिटी को हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं और हम पता करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी, क्लोराइड की इम्प्योरिटी कितने मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो इसमें जो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है यानी कि AgCl का यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, वही आपके सॉल्यूशन को टर्बिड बनाएगा, टर्बिड या फिर इसी को हम ऑपेलेसेंस भी बोलते हैं। तो इससे हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें मेनली व्हाइट कलर का टर्बिडिटी आता है। तो इसी टर्बिडिटी को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं और हम ये पता करते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो पास हुआ है या फिर फेल हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं, ये जो Cl- आयन यानी कि ये सोल्यूबल क्लोराइड्स है जो किसी भी हमारे सैंपल में प्रेजेंट रहेंगी। तो ये जो सोल्यूबल क्लोराइड है, जब इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, तो ये सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं AgCl। और ये जो साइन है इसका मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट, वो एक प्रेसिपिटेट बनाता है जिसकी वजह से हमारे सैंपल में टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है, साथ ही एक नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए कि हमारे सैंपल में हमने NaCl लिया है, NaCl आप देख सकते हैं Cl यानी कि इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, तो ये जो रिएक्शन है ये टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्लोराइड प्रेजेंट है। तो मान लीजिए हमने NaCl का सैंपल लिया, अब जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे AgNO3 के साथ यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो हमारे रिएक्शन में AgCl का यहाँ पर भी फॉर्मेशन होगा। ये जो है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमारे रिएक्शन में आएगा। यहाँ पर जो AgCl बनता है ये बेसिकली व्हाइट कलर का PPT बनता है, व्हाइट कलर का कर्डी पीपीटी बनता है। कर्डी यानी कि जैसे दही आप देखते होंगे, दही जो जिस कलर का होता है, जिस कंसिस्टेंसी में होता है, उसी कलर का यहाँ पर एक टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये यहाँ AgCl का फॉर्मेशन होगा प्लस NaNO3 का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये इस तरीके से वर्क करता है। हमारे पास यहाँ पर हम आप देख सकते हैं HNO3 का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। HNO3 का यूज़ करने का ये रीज़न है क्योंकि इसका जो NO3 है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक NO3 है, सिल्वर नाइट्रेट में भी एक NO3 होता है, नाइट्रिक एसिड में भी एक NO3 होता है। ये जो दोनों NO3 हैं ये कॉमन आयन है, यानी कि ये दोनों सिमिलर आयन है। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसमें क्या होता है, ये जो सिल्वर है ये इजिली यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है और ये क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। तो HNO3 यूज़ करने का पहला रीज़न ये होता है कि ये कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारे सिल्वर का डिसोसिएशन बढ़ जाता है, और जैसे ही सिल्वर का डिसोसिएशन बढ़ेगा यानी ब्रेकडाउन बढ़ेगा, ये जाके किससे रिएक्ट करेगा, आपके क्लोराइड से, और AgCl का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा चीज़ ये होता है कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कोई अदर इम्प्योरिटीज़ का प्रेसिपिटेट यहाँ नहीं बनता है, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके रिएक्शन को सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ये AgCl है वो ब्रेकडाउन होगा, और साथ ही इस आयन की वजह से ही कोई दूसरा इम्प्योरिटी या फिर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट यहाँ पर नहीं बनता है, जो इसमें रिएक्शन में होता है सिर्फ वही यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये होता है आपके HNO3 का रोल। अब हम देखेंगे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का क्या मेथड होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक टेस्ट सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हम जब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए हमने टेस्ट सॉल्यूशन लिया है जिसको हम मिली टी से डिनोट करते हैं, दूसरा हमने लिया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। तो टेस्ट सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, मान लीजिए कि टेस्ट सैंपल में हमारा NaCl है, तो हम सबसे पहले 1 ग्राम, ये जो 1 ग्राम लिया है ये हमने IP के अकॉर्डिंग लेते हैं, ये अलग अलग सैंपल के लिए अलग अलग इसका वैल्यू होता है। मान लीजिए कि हमने NaCl लिया है, एक स्पेसिफाइड सैंपल हमारा मान लीजिए NaCl है, तो इसको हमें 1 ग्राम लेना है, प्लस हमने इसे क्या किया है 10 ml वाटर में डिसॉल्व कर लिया है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें हम लोग क्या डालेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1 ml हम HNO3 डालेंगे यानी कि नाइट्रिक एसिड डालेंगे, उसके बाद हम इसे डाइल्यूट करेंगे 50 ml तक, अप टू 50 ml तक हमें इसे डाइल्यूट करना है।
प्लस हम इसमें क्या ऐड करेंगे, AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, ग्लास रॉड से स्टर कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे रिएक्शन होने के लिए। 5 मिनट बाद इस रिएक्शन में कोई ना कोई टर्बिडिटी या फिर ओपेलेसेंस प्रोड्यूस होगा। सेम प्रोसीजर हमको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए भी लेना है, बस इसमें ये चेंज होता है कि हम ये यहाँ पर जो सैंपल ले रहे हैं NaCl का, उसकी जगह पे हमें क्या लेना है, कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है। स्टैंडर्ड में हम बेसिकली NaCl को ही स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का ये मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं 1 ml 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम का NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है यहाँ पर 0.0584 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब हम 0.05845 ग्राम NaCl को अगर हम जब 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तब हमारा 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इतने ग्राम का NaCl हमें वाटर में मिला के सबसे पहले हमने सॉल्यूशन बना लिया है। इस सॉल्यूशन का 1 ml हमने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 ml इसमें HNO3 ऐड करेंगे। 1 ml HNO3 ऐड करने के बाद इसमें हमें क्या करना है, इसको डाइल्यूट करना है अप टू 50 ml विथ वाटर। तो हम इसको 50 ml तक डाइल्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 ml इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का 1 ml का सॉल्यूशन हमें यहाँ पर ऐड करना है। सेम रिएक्शन हमें यहाँ पर आगे करना है कि हम इसको स्टर कर देंगे ग्लास रॉड से और इसको 5 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। 5 मिनट के लिए साइड में रखने के बाद इसमें भी कोई ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी। अब हम क्या करते हैं, फाइनल में ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुआ है और जो सैम्पल सॉल्यूशन में हमारा टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों टर्बिडिटी को हम आपस में कंपेयर करते हैं। इन कंपेरिजन में हमें पता चलता है कि हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो पास हुआ है या फिर फेल हुआ है। आप देख सकते हैं जो टेस्ट सॉल्यूशन का सेम प्रोसीजर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी फॉलो किए हैं। बस इसमें हमें क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप में इसमें हम सैंपल लिए हैं कोई सा भी, और इसमें हमें फर्स्ट स्टेप में एक स्टैंडर्ड NaCl का सॉल्यूशन लेना है। बस ये डिफरेंस होता है दोनों के प्रोसीजर में, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर आपका एकदम सेम होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो आपका दिख रहा है मेजरिंग सिलेंडर जैसा, इसको हम बोलते हैं नेसलर सिलेंडर। इसका नाम होता है, इन दोनों ट्यूब्स का नाम होता है नेसलर सिलेंडर। बेसिकली ये जो रिएक्शन है इसे हम नेसलर सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं। ये जो आप इसमें रेड लाइनिंग देख सकते हैं, ये जो लाइनिंग है ये आपका क्या होता है, मार्किंग होता है। इसमें मार्किंग होता है कि 10 ml 50 ml आगे आपका जो भी 100 ml मान लीजिए है, तो 10 15 25 इस तरीके से इसमें मार्किंग होता है। तो ये जो रेड वाला है ये मार्किंग को शो करता है, ऊपर में मैंने ml लिखा हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं ये वाइट टाइल के ऊपर रखा हुआ है, वाइट टाइल। लैब में वैसे भी जो हमारा लैब का प्लेटफॉर्म होता है वो एक वाइट टाइल का बना होता है, तो वाइट टाइल के ऊपर ये दोनों नेसल सिलेंडर को हम रख देते हैं। साथ में हम इसमें क्या करेंगे, टेस्ट यानी कि टी और ये एस। तो टेस्ट सॉल्यूशन में हम ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एस के लिए हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और दोनों में हमें क्या करना है, अपना सैंपल को रख देना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसका ऑब्जर्वेशन एक वाइट कलर के बैकग्राउंड में लेना है, क्योंकि वाइट कलर में कोई भी कलर, कोई भी मान लीजिए इसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो अच्छे से दिखेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, जो टेस्ट का कलर प्रोड्यूस हुआ है और जो स्टैंडर्ड का कलर प्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं, हम कब बोलेंगे कि सैंपल पास है और कब बोलेंगे कि सैंपल फेल है। तो सैंपल पास हम तब बोलेंगे जब आपका टर्बिडिटी, टेस्ट सॉल्यूशन का जो टर्बिडिटी है वो लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो, यानी कि आपका जो टी का टर्बिडिटी है या टी का जो कलर प्रोड्यूस हुआ है वो स्टैंडर्ड से कम हो। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड का कलर डार्क दिख रहा होगा आपको, डार्क ब्लू मैंने बनाया हुआ है डिफरेंस करने के लिए। तो स्टैंडर्ड का कलर डार्क ब्लू दिख रहा है आपको और यहाँ पर लाइट कलर दिख रहा होगा, लाइट ब्लू दिख रहा होगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो स्टैंडर्ड का कलर है वो ज़्यादा है और टेस्ट का कलर कम है, इस कंडीशन में हमारा सैंपल पास होता है, ठीक है। वहीं अगर हमारा सैंपल फेल हो गया तब क्या होगा, जो टर्बिडिटी होगी हमारे टी यानी कि टेस्ट सॉल्यूशन की, वो ज़्यादा होगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। अब मान लीजिए कि इसका मैं मार्किंग को अगर मैं चेंज कर दूं, इसको मैं एस बोलूं और इसको टी बोलूं, तो आप देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका कलर कम है और जो टी है यानी कि टेस्ट सॉल्यूशन है उसका कलर ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हमारा सैंपल फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो भी सैंपल है वो क्या है, ज़्यादा इम्प्योरिटी कंटेन कर रहा है एज कम्पेयर विद द स्टैंडर्ड। तो इस कंडीशन में जब हमारा केस आता है तो हम इसको बोलते हैं कि हमारा सैंपल फेल हो गया है। तो ये होता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।